दोस्तों स्वागत है एक और बिजनेस के न्यू आइडिया में। दोस्तों आज का जो मैं बिजनेस बताने वाला हूं और जिस तरीके से मैं बिजनेस लेके आया हूं, शायद इस तरीके से बिजनेस अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा और इस तरीके से कोई भी यूट्यूब पे आप सभी को समझाने का प्रयास नहीं किया होगा और आप सभी को इस तरीके से पॉइंट नहीं बताया। पॉइंट होती है और जो बिजनेस से रिलेटेड जो पॉइंट छुपी रहती है, उस बिजनेस के छुपी हुई कड़ी रहती है, उस कड़ी को मैं आज अपने वीडियो में ओपन करने वाला हूं कि आपका दिल बिल्कुल खुला हो जाएगा और आप सुनने के बाद और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि आप बिजनेस करने से जो हिचहिचाते हो, मतलब का एक बार मन होती है कि मैं पैर बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, इस तरीके से जो आपके मन में होती है वो सारे बात आज क्लियर हो जाएंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये चार बातें को हमेशा ध्यान में रखना, अगर चार बात को आप यदि दिमाग में रख लिए तो आपका बिजनेस 100% नहीं, मैं 101% बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस हमेशा के लिए चलेगा, और चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। और एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आपका बिजनेस उड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं कि आपका बिजनेस बिल्कुल दौड़ेगा रॉकेट की तरह। यदि इस तरीके से आप काम करते हो, मेरे बताए हुए तरीके से यदि आप काम करते हो, कोई भी बिजनेस है आपका, कपड़े के बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस आपका है, छोटा है बड़ा है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। यदि आपका बिजनेस नहीं है, आप नया बिजनेस करना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपको लाभदायक होने वाली। मैं ये बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, ये कोई फेक बात नहीं है और पूरे YouTube पे इस तरीके से पॉइंट कोई बताने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल रियलिटी है। तो चार पॉइंट कौन कौन सी पॉइंट है दोस्तों, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक चीज का रिक्वेस्ट जरूर आपसे करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। वो चार पॉइंट सुनने के जल्दीबाजी में आप वीडियो को जल्दी स्किप करते हो, इसीलिए आपको एक एक पॉइंट समझ में नहीं आती है। उसके बाद आप वीडियो देखते नहीं हो, जाके तुरंत कमेंट आप ठोक देते हो, कमेंट करने के बाद आप बोल देते हो कि आपके वीडियो में ये नहीं था, वो नहीं था, आप ये नहीं बताए, वो नहीं बताए। तो दोस्तों ये चीज मुझे काफी ज्यादा, खैर कोई बात नहीं, वो आपकी मन की बात है, आप क्या कमेंट करते हो क्या नहीं करते हो वो आपके मन के ऊपर है, जैसे आपकी सोच रहेगी उसी तरीके से आप कमेंट करोगे। तो दोस्तों वो चार बातें कौन कौन सी है, ये बात आपके मन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले का पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी बात है, बिजनेस करो, लेकिन ज्यादा पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट मत करो। आप 6 महीने के लिए उस बिजनेस में नए रहने वाले हो। पहला पॉइंट ये कि यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कम पैसे में बिजनेस को स्टार्ट करना, ताकि उस बिजनेस में आप 6 महीना नए रहने वाले हो। जब तक आपका 6 महीना नहीं बीतेगा, जब तक आप उस बिजनेस के पुराने नहीं होगे, जब तक आपको इस चीज का नॉलेज नहीं होगा कि इतने दूर के एरिया में लोगों को डिमांड क्या है और लोग क्या ज्यादा चाहते हैं और कौन सा माल मैं ज्यादा लेके आऊं ताकि मेरा वो माल सेल हो। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि उस जगह की बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस जगह के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए अच्छे तरीके से, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कस्टमर से किस तरीके से बात करना है। यदि आप गुस्सा वाले हो, यदि आपके मन में खुंदक होती है, यदि आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन के हो, तो ये सारे बातों को एक साइड में रख के, यदि आपके घर के परिवार से कोई टेंशनबाजी है, उस सारे चीजों को, टेंशनबाजी और जो भी आपके मन में है वो सारे चीजों को अलग रख के फिर आप बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप बिजनेस कर सकते हो, आपका बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाला है। ताकि आप जब कस्टमर के साथ में प्यार से पेश आओगे तो कस्टमर आपके साथ में प्यार से पेश आएगा। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि आप इस तरीके से काम कर लेते हो, यदि आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके पे यदि आप चल देते हो, तो ये बात हकीकत है कि आपकी दुकान की बिल्कुल रफ्तार बढ़ जाएगी और बिल्कुल उड़ने चालू हो जाएगी, ये बात बिल्कुल है। तो चलो वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं और फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।